श्री ढीला पीठ सीधी, अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का भाव, गुरु मंत्र रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहराएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो मर्त्य। पेट बिल्कुल ढीले, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। इनहेल अप, थोड़े से कंधे उठा दो ऊपर और थोड़े और, बस ज्यादा नहीं, आसमान नजदीक ही है। एक्सहेल डाउन, फीट टुगेदर, श्वास बाहर, स्टे, 10, 9, दिल की धड़कनें बढ़ गई, 10 बोलते हैं ना। अष्टांग योग में प्रत्याहार शब्द आता है प्राणायाम के बाद, प्रत्याहार सधे, प्रत्याहार जगे भीतर, बाहर जो ऊर्जा बह रही है भीतर की तरफ मुड़े। हाथ ऊपर, क्या करते हैं? वन टू थ्री, हाथ ऊपर अच्छे से। वेरी गुड। सो मुझे तो बड़ा मजा आया सुबह सुबह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय योर। अक्सर यहाँ पे कब मिलते हैं हम? योगा डे पे। योगा डे की तैयारी इतने दिन पहले शुरू होगी। देखो तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एक आइकॉनिक वीक मना रहा है, इसमें रात को भी यहाँ प्रोग्राम था, यहाँ डांस का प्रोग्राम था, पीछे सिंगर आए हुए थे। ये पूरा हफ्ता चलेगा, अभी एक 3 दिन की स्टॉल्स भी लगनी है। अब उसका वेन्यू मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ लगेगी एग्जीबिशन, तो उसमें भी योग का एक स्टॉल रहेगी जहाँ पे योग की जानकारी। तो बेसिकली ये जो योगा टीचर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है कि योग प्रमोट हो रहा है और हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है। किसी न किसी बहाने से इसका पर्पज़ एक ही होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, कैसे हम स्वस्थ रहें। इस आइकॉनिक वीक में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशन के साथ जुड़े हैं, जो भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े हैं, चाहे वो फोक इंस्ट्रूमेंट को ले, उसके साथ कोऑर्डिनेट, उसका तालमेल नहीं हो पाता। तो वो तालमेल कैसे बने? हम एक सवाल, मैंने मैसेज कर दिया कि यहाँ है, या कॉलेज वालों से नोटिस मिल गया कि यहाँ है, आना है, पर क्यों आना है? इस पर थोड़ी सी बात कि क्या हमें, एक और मेरे पास मैसेज आया कल के, सर आपने लिखा है कि कम विद योर ओन मैट, लोग आते तो मैट के लिए वहाँ पे, तो मैट आपने कह दिया घर से लेके आओ तो आएगा कौन? तो क्या हम मैट के लिए आते हैं? क्या सेशन फिर टाइम टू टाइम, जैसे पीछे सुना नमस्कार का भी आपने बहुत बहुत अच्छे से, अभी 49 के डिस्पेंसरी में गया था मैं रुपिंदर जी के साथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने, और सपना जी आज अभी नहीं आ पाए, उनको भी था कि हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें, और एक मेन प्रोग्राम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसका क्लोजिंग का
था कि 20 से पहले करें वो पता नहीं कब हो कहाँ हो, उसकी अगर हुआ तो जानकारी। पर्पज़ क्या था कि हम स्वास्थ्य को बरकरार रखें सूर्य नमस्कार के माध्यम से। तो इसी तरह इस सेशन में भी फिजिकली और मेंटली कैसे फिजिकली और मेंटली कैसे अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं, योग कैसे मदद करें, तो इस पे थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आसन कुछ प्राणायाम जो ऑलरेडी आप करते हो वही करेंगे। इसका उद्देश्य जो है कि हम ओपन में अगर करते हैं खुले में करते हैं तो उसका कितना महत्व है और बाकी लोगों को कैसे हम जागरूक कर सकें, एक को दो को अपने आसपास वालों को, तो इस सेशन का यही उद्देश्य है। ठीक, तो पंकज वही सारी फोटो हमारी नहीं लेनी, सामने बैठे हैं उनकी भी ले लीजिए। अच्छा धन्यवाद। तो अभी ध्यान के आसन में बैठेंगे सभी। किसी भी ध्यान के आसन में सीटी नैनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाओ, सुखासन में जैसे आपको ठीक लगे। आंखें बंद हो जाने दें, हाथ घुटनों पर रख सकते हैं या गोद में जैसे आपको ठीक लगे। शरीर ढीला पीठ सीधी, शरीर को ढीला रखते हुए श्वास के प्रति सजग अवेयर जागरूक। और इस श्वास के माध्यम से प्राणी को ऊर्जा के भीतर जो संतुलन बनता है शरीर और मन का संतुलन, श्वास को गहरा रखते हुए गहरी गूंज के साथ ओम मंत्र का उच्चारण यूनिवर्सल साउंड 3 बार, गहरी श्वास भीतर मुद्रा में नमस्कार नमन मुद्रा।
अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का भाव, गुरु मंत्र रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहराएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमन के भाव से भरे हुए, समर्पण के भाव से भरे हुए, गहरी श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में, अगर आंखें बंद करके कर सके तो आंखें बंद करके कर सकते हैं, आंखें खोलना चाहे खोल सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो गर्दन को आगे मत झुकाना। 5 बार अपने सांस के अनुसार दोहराएं से। इनहेल अप बने, देन ट्विस्ट योर नेक गर्दन साइड में, जब गर्दन पीछे ट्विस्ट करें तो श्वास बाहर, सामने आए श्वास भीतर। फुल सर्कल क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 3 times ईच साइड। इफ एनीबडी हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम देन यू विल नॉट बेंड योर नेक फॉरवर्ड। और फिर आराम से एक बार गहरी श्वास, बीच बीच में ख्याल ध्यान सजगता श्वास पर जाए। एक तरफ हो जाए फिर दूसरे तरफ से, उपेंद्र भाई मेट के बिना कैसे काम चलेगा?
के शिक्षक मैट लेके नहीं आए, हर साल मैट मिलता है योगा डे पे, रिलैक्स, पैर थोड़े से खुले, श्वास के साथ दोनों हाथ सामने से ऊपर, बिल्कुल सीधे, कंधे थोड़े से उठा दो ऊपर, श्वास छोड़ते साइड से नीचे, श्वास के साथ तालमेल। आप ये लगता है कि सिर्फ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट है, लेकिन ये लंग्स की एक्सपेंशन भी साथ में है। साइड से नीचे थोड़ा सा पॉज लिया करो ऊपर जाके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, फेफड़ों का फैलाव, एक्सहेल डाउन, और चारों तरफ आपके पीपल के पेड़ है, कितनी ऑक्सीजन भीतर जाएगी, आप पीछे वालों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, पेड़ ज्यादा है। एक्सहेल डाउन, पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि पीपल है, आप डाउन, एक बार आप मेंटली प्रेजेंट रहना, बस देखते हैं कौन सोते हैं। एक्सहेल आप, हो गए ना, डाउन, सो गए, गुड, रिलैक्स। अब उंगलियां खोल दो हाथों की पूरी ऐसे और साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ, थोड़े आगे पीछे हो जाओ, हार्ट टच ना हो दूसरे को, वैसे तो काफी खुले खड़े हो। श्वास के साथ ऐसे ऊपर जाना, साथ साथ गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे आ जाएंगे, उंगलियां खुली रहेंगी, ये ध्यान रखना है, फिंगर्स बिल्कुल खुली रखनी है, ढीली नहीं करनी। और एक बात का ध्यान ये रखना है कि फिंगर के साथ साथ ना चेहरा ऐसे टाइट नहीं करना, चेहरा ढीला रखना, गर्दन कंधे ढीले। अगेन इनहेल अप, लुक अपवर्ड, एक्सहेल डाउन, मुंह बंद करके इनहेल अप, एक्सहेल अप, इनहेल, मैं भी कॉलेज का काम कर रहा हूँ सर, एक्सहेल डाउन, आप कह रहे हो कि क्या करना, इधर से भाई साइड, अमित मुंह खुल बंद रख, ऊपर कबूतर जा रहा है, एक्सहेल डाउन, फिंगर सेंटर लॉक, आधा ताड़ा से इनहेल अप, गर्दन पेट बिल्कुल ढीले, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे, इनहेल अप, थोड़े से कंधे उठा दो ऊपर और थोड़े और, बस ज्यादा नहीं, आसमान नजदीक ही है। एक्सहेल डाउन, फीट टुगेदर, श्वास बाहर, स्टे, 10, 9, दिल की धड़कने बढ़ गई, 10 बोलते ना, 8, 7, बस कैसे 10 पूरे हो जाए, 6, 5, 2-3 ने तो कत्था करना शुरू कर दिया, 3, कहाँ था गिनती, कहाँ पे था मैं, 6 पे था ना, 5, एक दिन नाले कासन होर फ्री, 2 and 1, रिलैक्स, पैर थोड़े खुले, गर्दन कंधे हाथ ढीले, श्वास की गहराई, डीप इन ब्रेथ, स्लो इनहेल, स्लो डीप एक्सहेल, फील योर ओन ब्रेथ, ब्रेथ इज एक्टिवेटिंग योर वाइटल फोर्स, प्राणिक ऊर्जा सक्रिय होगी जितनी श्वास गहरी होगी, प्राणिक ऊर्जा प्रफुल्लित होगी श्वास जितनी गहरी और सहज होगी,
सूदिंग होगी ब्रेथ जितनी, उतना ही शरीर को आराम मिलेगा, मन उतना ही संतुलित रहेगा। एक ताड़ासन और करेंगे, पैर मिलाओ। फिंगर इंटरलॉक कर लो। अपनी नजरें आपने हाथों के ऊपर रखनी है, हाथों की उंगलियां हैं उल्टे किए हुए हाथ, उस पर रखनी है, वहां से नजर नहीं हटनी चाहिए। इनहेल अप ऊपर और ऊपर, एड़ियां उठा दो ऊपर, हील्स अप ऊपर, देखना है भाई, कत्थक नहीं करना है। ऊपर ऊपर ऊपर, छत के, मेरी तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देख रहे, ऊपर देखो आसमान की तरफ, और एड़ियां पूरी ऊपर। अच्छा अगर ऊपर आंखें बंद कर दो तो पीछे वाला आगे वाले के मैट पे आ जाएगा फिर तो। वही आसन जो पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हैं, सिर्फ नजरों को ऊपर किया, इम्बैलेंस, आंखें बंद की फिर इम्बैलेंस, एड़ियां नीचे, रिलैक्स। तो मन भी ऐसे ही करता है हमारा, और ताड़ासन क्या करता है, माइंड को अपने में ले आएगा। अब ताड़ासन में मैं कहूँ सोचो घर के बारे में, आप कहो सर एक बार तो बैलेंस बनाने, तो बाद में सोचेंगे घर के बारे में। तो जब तक ताड़ासन कर रहे हैं माइंड अपने पंजों में रहेगा। तो ताड़ासन इज वेरी बेनिफिशियल एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसी का फिर बड़ा भाई करेंगे, इसके बाद त्रिकोण, राइट हैंड अप, श्वास का तालमेल, आपका राइट कीर्ति, मेरा राइट नहीं, लेफ्ट साइड बेंड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट हैंड अप, बिल्कुल सीधा कान के साथ, राइट साइड बेंड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, साइड चेंज, राइट हैंड अप, बिल्कुल सीधा कान के साथ, लेफ्ट साइड बेंड, श्वास छोड़ दो। जिनको साइड वाले टायर कम करने हैं वो शरीर को, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी जिस पोजीशन में खड़े हो ऐसे ही पैर थोड़े खोल दो और राइट टो बाहर करो, त्रिकोणासन का बेस आधार, लेफ्ट टो को थोड़ा अंदर, राइट टो बाहर, आपका दायां पंजा ऐसे, इनहेल आप शोल्डर लेवल पे, एक्सहेल राइट साइड नीचे बैंड कर दो। मैं आपके उल्टा करूंगा ताकि आपके साथ मिल सकूं। राइट हैंड राइट टो पे, एंकल के पास चला जाए, जरूरी नहीं नीचे टच हो, वेरी गुड। इनहेल आप, अब राइट टो अंदर कर दो, लेफ्ट टो बाहर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, साइड चेंज एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, साइड चेंज कर दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करवाने वाले को इतना आनंद आ रहा तो करने वाले को कितना आ रहा होगा। इनहेल अप, लास्ट राउंड, साइड चेंज,
नीचे नीचे नीचे, श्वास नॉर्मल, थोड़ी सी चेस्ट को पीछे करो, हाथ सीधे एक लाइन में, नीचे वाले हाथ से लेकर चेस्ट और ऊपर वाला हाथ एक लाइन में, और जो ऊपर देख सकते हैं आराम से ऊपर की तरफ देखो और बैलेंस बनाने की कोशिश, 5 4 3 2 1 इनहेल अप, साइड चेंज, एक्सहेल डाउन। थैंक यू। 1 इनहेल अप, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, थोड़े से पैर पास में। जब भी कोई आसन करते हैं हम या योग की कोई भी क्रिया, तो उसके बाद आराम थोड़ा ज़रूरी है उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए। दूसरा पर्पज़ है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल त्रिकोणासन किया तो बेनिफिशियल फॉर ट्रंक रीजन, लोअर बैक, चेस्ट, ज़्यादा स्ट्रेन, ज़्यादा कंट्रैक्शन, ज़्यादा खिंचाव कहाँ आया, ट्रंक रीजन पे। तो जब हम आराम में जाएं, सांस को गहरा करें, तो श्वास के साथ मेंटली हमें ये इस प्रति अवेयर हों कि मेरा सारा ध्यान अपनी बैक पे, जिस रीज़न में स्ट्रेन आया, खिंचाव आया, उस रीज़न पे ध्यान, तो वो जगह मेंटली भी वहाँ से हम स्वस्थ होंगे। किसी बंदे ने विपस्सना ध्यान किया कभी? 1 2 विपस्सना ध्यान में क्या है कि जहाँ मन जाएगा, श्री गोयनका जी का है और कभी मौका मिले तो करके आना, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं उनके, 10 दिन शांत रहना पड़ता है वहाँ, चुपचाप, बिना मोबाइल, बिना किसी से बातचीत, और 1 दिन में 8-9 घंटे ध्यान होता है। तो वहाँ पे जो मुझे बात समझ में आई कि माइंड जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ऊर्जा सक्रिय होगी, इच्छा हमारी है, हम कैसे विचार डालते हैं, तो जहाँ जहाँ मन जाएगा शरीर में वहाँ वहाँ ऊर्जा सक्रिय होगी, एक्टिवेट होगी। और अगर मन में ये गया हाय मेरी कमर तो टूट गई वे, हाय टूट गई, वो नहीं टूटी होगी तो 2-3 दिन बाद वो टूट जाएगी, एक बीज लगा दिया हमने, तो बीज कैसा लगा रहे हैं, थोड़ा दर्द है, ठीक हो रही है, थोड़ी ठीक है, ये कह सकते हो, लेकिन ठीक शब्द जैसे उपयोग करेंगे तो मन के साथ शरीर वैसी ही क्रिया करेगा। तो अभी अगला आसन, थोड़ी सी बैक बेंडिंग, शोल्डर विड्थ पे, हाथ कमर पे, अंगूठे बैकबोन के पास, और श्वास भरें, जैसे जैसे पीछे जाएं श्वास छोड़ते जाएं, बैक, वापस, यहीं से फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल बैक, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल अप। अगर किसी को बैक के एक और, तो फॉरवर्ड बेंडिंग में नीज बेंड कर लो थोड़े, बैक, फॉरवर्ड, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे ले जाओ, पैर खुले रखो, अभी पैरों के बीच में टच करो, नीचे नीचे नीचे, झटका नहीं देना, सत्यम शिवम सुंदरम, नीचे घुटने, जिनको बैक पेन हो घुटने थोड़े से बेंड कर लो, और सांस जोर से नहीं छोड़ना, तो पेट में नस चढ़ेगी नहीं तो, तो बिल्कुल ढीला करो पेट, रुको यहीं पे, रुको थोड़ा सा, सांस नॉर्मल। अगर किसी को नाभि की प्रॉब्लम, धरण की प्रॉब्लम रहती हो तो ये वाला आसन आप करो, और पेट को थोड़ा अंदर बाहर, जैसे उड़ान बंद में करते हैं ना, पेट अंदर खींचो, फिर ढीला छोड़ो, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। जिनको बीच में बीचवाड़ा मंत्र नहीं आता वो ओम नमः तो जरूर बोल सकते हैं। तो रेडी,
हाथ शरीर के साथ सूर्य के प्रति नमन का भाव हमारे भीतर, मन भी सूर्य को नमन करे, प्रकृति के सुंदर रूप जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, उसके प्रति नमन का भाव रखते हुए और शरीर के भीतर जो सूर्य ऊर्जा है उसको और सक्रिय करें। अब थोड़ी आवाज आई, वेरी गुड, राउंड, बस तीन राउंड और करेंगे, तीन हो गए ना, चार हो गए। हाय नमः, गूंज भरो पूरा, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, पूरी आवाज सुधा गएगी, आवाज नहीं आ रही।
ओम भानवे नमः। ओम वेरी गुड। ओम मारीचे नमः। ओम ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब मंत्र मैं नहीं बोलूंगा अगले राउंड में, मैं भी साथ में करूंगा, ऐसे रह गया मैं तो। लास्ट राउंड। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम ये पीछे वाले नहीं बोल रहे। ओम अंजना की आवाज ही नहीं आई। ॐ भास्कराय नमः। हाथ प्रणाम मुद्रा में रखें, आंखें बंद। नमः। शरीर के भीतर जो ऊर्जा पैदा हुई, शरीर के भीतर जो शक्ति एक्टिवेट हुई, सक्रिय हुई, उसके लिए सूर्य के प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, नमन का भाव, शुक्राना हो हमारे भीतर, ग्रेटिट्यूड हो, थैंकफुलनेस हो। और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे और शवासन, सिर इधर कर ले, पैर दूसरी तरफ। शवासन में पैर खुले, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, श्वास को गहरा करने का प्रयास नहीं करें,
श्वास भीतर अपने आप ही आ रही है और अपने आप ही बाहर जा रही है। बस हम सजग हों, अवेयर हों। जागरूक हों। शरीर के भीतर क्या घटित हो रहा है, मन योग के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। जरूरत है प्रत्याहार की। हमारा ध्यान जो बाहर है, भीतर की तरफ नियंत्रित नहीं करें, मन को मोड़ें। अष्टांग योग में प्रत्याहार शब्द आता है प्राणायाम के बाद। प्रत्याहार सधे, प्रत्याहार जगे भीतर। बाहर जो ऊर्जा बह रही है भीतर की तरफ मुड़े। ऐसा योग में इस शरीर और मन को संतुलित करने के लिए कहा गया और इसका अभ्यास किए बिना, इसे महसूस किए बिना इसे समझा नहीं जा सकता, इसका आनंद नहीं लिया जा सकता। तो पूरी सजगता, मन अगर बाहर जाए तो जाने देना, थोड़ी देर बाद फिर मन को कहना भैया भीतर चलो। तो अपनी आ रही जा रही श्वास के प्रति सजग, हार्ट बीट हृदय की धड़कन के प्रति सजग, और देखेंगे गौर से तो नाभि की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ योर नेवल, दैट इज हैपनिंग इट सेल्फ नेचुरली नॉर्मली, अपने आप चल रही है। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा लेटा हो, उसके पेट की मूवमेंट ठीक वैसे हमारे मध्यपट की हलचल, नाभि की मूवमेंट, उसका आभास। और नाभि के प्रति सजग रहते हुए श्वास को धीरे धीरे गहरा करें। एक बार गहरी श्वास, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर। अवेयर, जागरूक। और 2 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ना है एक रिदम एक लय में, लगभग 100 बार, 100 से 120 बार, तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1 सेकंड में एक बार। पूरा श्वास बाहर एक लय एक रिदम में। अगर बीच में किसी का सिर भारी हो, पीठ में दर्द हो, हल्का पेन आए तो रुक जाना, फिर गहरी श्वास एक बार और
फिर से शुरू। पीठ सीधी रखें, झुके नहीं, बस तनाव ना हो गर्दन में, कंधों में। हंड्रेड टाइम एंड 120 देन रिलैक्स। श्वास की गहराई, डीप एंड ब्रेथ, और श्वास लेने के बाद श्वास को हल्का सा रोकना है, एक दो सेकंड का पॉज देना। अगर किसी का बीपी हाई हो तो श्वास मत रोकना। इनहेल, रिटेन योर ब्रेथ। खास तौर पे जब श्वास रोकें तो कोशिश करें कि अपनी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, उसका आभास हो सके। जरूरी नहीं सभी को हो। बहुत सूक्ष्म रूप से भीतर देखेंगे, सजग होंगे, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन जैसे चल रही है वैसे स्पष्ट सुनाई देगी। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें और 3 से 4 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल को बंद कर दें, दो उंगलियां माथे पे रख लें, पहली दो उंगलियां। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, देन राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। इसके 3 राउंड और करें ऐसे ही, लेकिन श्वास रोकना है। अभी जो किया अनुलोम विलोम, इसी में श्वास रोक देंगे अंदर जाके, देन इट बिकम्स नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां योग के अनुसार उनकी शुद्धि करता है। टीड़ा पिंगला, दो नाड़ियाँ राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल, इनकी सफाई तो साथ के साथ सांस बहुत आराम से आएगा। सांस भीतर गई, हल्का सांस को रोका, धीरे धीरे सांस बाहर। सजग हूँ श्वास के प्रति, अवेयर हूँ श्वास के आने जाने का और श्वास के रोकने का आभास हो। लास्ट राउंड कंप्लीट करें और लेफ्ट साइड एक्सहेल होने के बाद रिलैक्स।
श्वास को गहरा ही चलने देना है, श्वास रोके नहीं। श्वास की गहराई के साथ तीन बार हम हमिंग करेंगे, हाथ गोद में ही रखेंगे। पूरी आवाज़, पूरी गूंज नाभि से लेकर मस्तिष्क तक, पूरा शरीर गुंजन से भर जाए। गहरी श्वास भीतर एक साथ, पूरी गूंज के साथ एक बार और। लास्ट टाइम बहुत गूंज और भर दो थोड़ा, बहुत अच्छे। साइलेंट, शांत, शरीर के भीतर जो गुंजन पैदा हुई, खास तौर पे गले में, मस्तिष्क में, छाती में इसका आभास। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, सर्व मंगल की प्रार्थना, सबके स्वास्थ्य सुख की प्रार्थना। सबसे पहले स्वास्थ्य का भाव स्वयं के लिए, कि मैं स्वस्थ रहूं, आनंदित रहूं और जीवन का भरपूर आनंद स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए लूं। यही भाव हमारे परिवार के मेंबरों के लिए, परिवार में सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, और यही स्वास्थ्य का भाव पूरे कुटुंब और देश के लिए, सभी लोग स्वस्थ हों, आनंदित हों। शांति पाठ रिपीट आफ्टर मी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। गहरी और शांत श्वास एक बार ईश्वर का, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड जिस भी रूप में हम स्मरण करते हैं उसका इस संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक, ग्रेटिट्यूड। पामीन। हथेलियां रगड़ लें, अच्छे से हीट क्रिएट हो हथेलियों में, ऊष्मा पैदा हो। जब गर्म हो जाएं तो हथेलियां बंद आंखों पर रखें, हथेलियां यहीं पर रखें, आंखें दो तीन बार खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। आंखों की, चेहरे की हल्की हल्की मसाज, आराम से, आनंद से भरे हुए आंखें खोल लें। इतने सीरियस से क्यों बैठे हैं, चेहरे पे तो स्माइल, हंसना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, है ना। तो हास्य आसन करेंगे अभी हम। कैसे हंसोगे? मुंह बंद करके हंसना, दांत नहीं दिखने चाहिए किसी के। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ज्यादा हंसेगा ना, पेट पे हाथ रख के देखना, जितना हंसेगा उसका पेट उतना जल्दी कम होगा। मुंह बंद करके हंसोगे तो पेट देखो कितना अंदर, हाथ रखो एक बार नाभि पे देखो, मुंह बंद करके हंस के देखो कि पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। आजी जैसे कपाल वाले कईयों का बम्पर तो हिल ही नहीं रहा क्योंकि वो हंस ही नहीं रहे। हरीश जी सोच रहे हैं कि हंसोगे ना। चलो एक दो तीन स्टार्ट। अब मुंह खोल के हंस लो अच्छे से, हाथ ऊपर जोर से, गर्दन ऊपर करके, मजा नहीं आ रहा, जोर से और जोर से। अमित वीडियो बना रहा है, हंस नहीं रहा। वो देखो कैसे हंस, ये तो हाँ हाँ। अच्छा कभी ऐसे हंसे हो जैसे वो हॉरर मूवी में करते हैं ना, हाथ ऊपर, क्या करते हैं? वन टू थ्री, हाथ ऊपर अच्छे से। वेरी गुड। सो मुझे तो बड़ा मजा आया सुबह सुबह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय योर।